राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी दया का ऐसा चमत्कार दिखाएंगे जो शायद सोच पाना भी आपके लिए असंभव हो, जिसे शायद आप सुन भी ना पाए। पर श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रेम में क्या क्या कर सकते हैं, इस सच्ची घटना के माध्यम से ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रज में एक पंडित जी थे, वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी का नाम लेकर व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी ने एक सेठ जी से धन मांगा। सेठ जी धन तो दे देते हैं, पर धन को लौटाने की 12 किश्त बांध देते हैं। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्त भर दी, पर एक किश्त ना दे सके। इस पर सेठ जी 12वीं किश्त का समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा देते हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक गया। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। जज ने पंडित जी से अपना गवाह बुलाने को कहा तो पंडित जी ने ठाकुर जी के श्री चरणों में ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी तो पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तब जज साहब पंडित जी से बोले, ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे जो भक्त की दुविधा ना देख सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिले। अब जज पागल सा हो गया। वो भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन खुद खाता और आधा ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करने का पाप अनजाने में कर देता था। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारने पीटने लगे, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और भगवान को भी खिलाता रहा। तो एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को उनकी जूठन ना खिला सके। पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया, अब क्या करे? वो ये सोचकर निवाला अंदर ना सटक सका कि मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। क्या करें, क्यों करें? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाने लगा। तभी एक सुंदर चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन में ही गोपाल की छवि निहारते हुए अश्रु धारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई आज, जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चल लाने वाला, आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से मुक्ति और प्रेम की धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और उसने वहीं देह त्याग दिया। और मित्रों, वो पागल जज और कोई नहीं, पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन धाम में स्थित है। ये सच्ची घटना हम में से बहुतों के लिए असहनीय हो सकती है, पर ये याद रखें कि हम इंसान हैं और अपनी छोटी बुद्धि से हम ये नहीं समझ सकते कि गोविंद की कृपा कितनी गहरी हो सकती है, किस स्तर तक जा सकती है और वो प्रेम में क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी रोचक सुंदर जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।